कंगना रनौत का आने वाला शो लॉकअप, इसका ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर आते ही इतना विवाद खड़ा हो गया है, मतलब राजनीति से लेकर सरकारों से लेकर बॉलीवुड में कई लोगों तक एक के बाद एक इतने निशाने कुछ सेकंड के ट्रेलर में कंगना रनौत ने साध लिए हैं, जिसके बारे में जितनी बातें की जाए उतना ही कम है। देखिए ट्रेलर में कंगना कहती क्या है। ट्रेलर में कंगना ये कहती है कि इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, जो एक मुझे पसंद करते हैं और दूसरे वो जो बी ग्रेड स्ट्रगलर्स, जो मेरी बुराई करके न्यूज में रहते हैं, ऐसे हेटर्स जिन्हें मेरी आवाज को दबाने के लिए FIR किए और नेपोटिज्म का फॉर्मूला लगाया, मेरी लाइफ को 24/7 रियलिटी शो बनाकर रख दिया। लेकिन अब मेरी बारी है, मैं ला रही हूँ द बॉप ऑफ बिगेस्ट रियलिटी शो, माय जेल माय रूल्स। आगे कंगना लिखती है कि मेरी कैद में होंगे 16 कंट्रोवर्शियल सेलेब्स, जिनके साथ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। लॉकअप 27 फरवरी से MX प्लेयर और ऑड बालाजी पर स्ट्रीम होगा, बिल्कुल फ्री, यहाँ पापा के पैसों से भी बेल नहीं मिलेगी। अब आप इस ट्रेलर का पूरा थीम समझिए एक एक लाइन में कि क्या कहा है। पहले जो लाइन कही है कि इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, जो मुझे पसंद करते हैं और दूसरे वो जो बी ग्रेट स्ट्रगलर्स, जो मेरी बुराई करके न्यूज में रहते हैं। यानी कंगना इसमें पहले तो अपने फैंस के बारे में बात करिए कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं, और जो बी ग्रेट स्ट्रगलर्स की बातें करिए, इसमें तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, ये लोग हैं जो मतलब बी ग्रेड टाइप की फिल्में करते हैं और स्ट्रगल करते हैं और अक्सर कंगना रनौत को लेकर निशाना साधते रहते हैं और कंगना रनौत के नाम पर अपनी रोटियां चला रहे हैं। फिर कंगना ने लिखा कि ऐसे हेटर्स जिन्होंने मेरी आवाज को दबाने के लिए FIR किया और नेपोटिज्म का फॉर्मूला लगाया, यानी बॉलीवुड से वो लोग जिन्होंने कंगना रनौत के ऊपर FIR किया, जिसमें जावेद अख्तर और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, कई पार्टी के नेता भी शामिल हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से कई लोग शामिल हैं। फिर लिखती है मेरी लाइफ को 24/7 रियलिटी शो बनाकर रख दिया था। यानी जैसे हर रोज कंगना को लेकर कोई ना कोई विवाद हो रहा था, कंगना लगातार मीडिया में बनी हुई थी, हर रोज एक के बाद एक हजारों FIR कर दिए गए कंगना रनौत के सिर्फ बोलने को लेकर, और बाद में कंगना रनौत का ऑफिस भी तोड़ा गया। मेरी कैद में होंगे 16 कंट्रोवर्शियल सेलेब्स, जिनके साथ वही होगा जो मैं चाहती हूँ, यहाँ पापा के पैसों से बेल नहीं मिलेगी। यानी अंतिम लाइन में कंगना ने सीधे सीधे तौर पर शाहरुख खान और आर्यन खान पर निशाना साधा है, क्योंकि आर्यन खान ही ड्रग्स के मामले में अंदर गया था और पापा के पैसे जो बेल के लिए इस्तेमाल किए गए उसके बाद ही आर्यन बाहर आया था। ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्शियल ट्रेलर बनाई गई है, अब सोचिए एकता कपूर का ये सीरियल है लेकिन फिर भी इसे कंट्रोवर्शियल बनाया गया है। अब इसके पीछे क्या PR और स्ट्रेटेजी है ये तो एकता कपूर और कंगना रनौत ही जानती होगी, लेकिन इसके ऊपर बवाल तो हो गए।